दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोमल का गार्डन में। दोस्तों, बारिश इस टाइम पे एक दो दिन से बहुत तेज हो रही है और गार्डन का हाल आप देख सकते हैं, सब कुछ एकदम टूट फूट गया है। पूरा ग्रीन नेट भी टूट गया था इसे, क्योंकि बांधना ना पड़ता है तो हवाएं जब चलती हैं तो ये टूट जाता है, क्योंकि और कोई सपोर्ट तो है नहीं कि इसे एंगल लगे हों तो हम बांध दें। हमें इसे रस्सी से ही बांधना पड़ता है, डोरी से, तो ये टूट जाते हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं, पर फिर भी काम चल जाता है, हम फिर से बांध लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी कि चंपा प्लांट के बारे में, क्योंकि चंपा प्लांट में इस टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और तो चलिए, मैं चंपा प्लांट आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये है मेरा चंपा का प्लांट, और प्लीज़ दोस्तों नॉइज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस टाइम पे, तो दिन भर काम चला करता है तो आवाज़ आएगी आज। और दोस्तों, ये है मेरा चंपा का प्लांट, इसमें आप फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी वैरायटीज़ की और इसके नाम की। तो इसे चंपा भी कहते हैं, नाग चंपा भी कहते हैं, और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं। दोस्तों, ये वाइट और येलो कलर की फ्लावरिंग वाला चंपा प्लांट है, इसमें पिंक कलर भी आता है और एक प्योर वाइट भी आता है, और भी कई कलर आते हैं। तो जैसे जैसे कलर होते हैं, वैसे जैसी वैरायटीज होती हैं, वैसे इनके प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। तो प्राइस की बात करें तो दोस्तों, आपको इस ये नर्सरी में 250-200 के करीब रेंज में मिल जाता है ये प्लांट। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो दोस्तों, आप यहाँ खड़े हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा महकता है। कुछ चंपा प्लांट में फ्रेग्रेंस नहीं होती है, वो नहीं महकते हैं। अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट और उनके अलग अलग खूबियाँ होती हैं। तो ये वाला चंपा जो प्लांट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है। खुशबू की बात करें तो बहुत ही, अगर आप खड़े हो जाते हैं इसके पास तो बहुत अच्छे से महकता है। और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, बाय नहीं करना चाहते हैं, तो रोड साइड पर लगे रहते हैं ये, तो इनकी आप कटिंग ईजिली ले सकते हैं। कई वैरायटीज़ लगी रहती हैं, पिंक वाला भी लगा रहता है, तो आप उसकी भी कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। दोस्तों, पॉट साइज़ की बात करें तो मैंने इसे जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है ना, जो हमारे घर में यूज़ होकर टब टूट जाते हैं, तो मैंने इसे उसी में लगाया था। और ये बहुत ही बड़ा है, तो ये आराम से ग्रो हो जाता है। जिस हिसाब से आप पॉट यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से प्लांट की ग्रोथ भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से होती है। और इसके देख लीजिए कितना पुराना प्लांट है, इसकी स्टेम भी देख लीजिए कितनी हेल्दी और मोटी है, और ये प्लांट बहुत ही मैच्योर प्लांट हो गया है अब तो। वैसे भी बहुत पुराना प्लांट है और ये अच्छे से स्टब में ग्रो भी हो रहा है, लेकिन आप इसे नॉर्मल पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में भी आराम से ग्रो हो जाता है, भर भर के फ्लावरिंग करता है। तो आप नॉर्मल पॉट में भी इसे लगा सकते हैं, अगर आपके पास टब नहीं है इस तरह के, पर अगर हैं तो आप इसमें लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से देते हैं। फ्लावरिंग से बात आई तो दोस्तों, ये फ्लावरिंग सीजन इसका कौन सा होता है, तो गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। विंटर में ये पूरे एकदम से पत्तियाँ झड़ जाती हैं, इनके ना फ्लावर होता ना कुछ, सिर्फ स्टेम्प रहती हैं, बट ये गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये सन लविंग प्लांट होते हैं, यानी कि गर्मी में आराम से ग्रो करते हैं, जितनी भी तेज़ धूप में रख लीजिए बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और कटिंग भी इनकी दोस्तों ईजिली लग जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र की, तो मैंने अब तक इसमें कुछ वैसा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है कि मुझे इसकी खूब अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए। सिर्फ मैं बीच बीच में वर्मी कंपोस्ट या फिर जो हमारा गोबर की खाद होता है वही देती हूँ, और अगर कभी इसमें कीड़े लग गए तो फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर देती हूँ। या फिर अगर दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करूँ, तो जो हमारे बनाना पील होते हैं, केले के छिलके होते हैं, उनको मैं मिट्टी में गुड़ाई करके दबा देती हूँ मिट्टी में, बस इतना ही देती हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं देती हूँ। पर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लांट के लिए अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी देता है आपका प्लांट। दोस्तों, अगर प्लांट को आप घना बनाना चाहते हैं तो प्लांट की टाइम टाइम पर पिंचिंग भी करते रहिए, और जो हमारे सूखे फूल हो जाते हैं उनको भी रिमूव करते रहिए, ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो भी करता है और घना भी बनता है। तो दोस्तों, मैंने कटिंग की तो बात आपके साथ शेयर कर दी थी, और कटिंग को दोस्तों लगाने का तरीका बताऊं तो आप कटिंग को कहीं से भी कट कर लीजिए। जैसे दोस्तों ये स्टेम है, मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और इसे नॉर्मल मिट्टी में मैं लगा दूंगी, बट पानी बहुत कम दूंगी, वरना ओवर वाटरिंग से इसकी कटिंग गल जाती है, क्योंकि इसमें रूट्स भी बहुत टाइम पर बनती हैं, 2 से 3 महीना लग जाता है इसकी रूट्स बनने में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और आराम से इसे रहने दीजिएगा, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, वरना आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और नॉर्मल प्लांट भी है तब भी आप पानी इतना दीजिए जितना ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि इन्हें धूप पसंद है और ज़्यादा ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाते हैं।
तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि तो मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी है दोस्तों। तो और इसे धूप में रखिएगा अच्छे से, मई जून में ये आराम से चल जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपडेट दे दूँ तो लौकी में देखिए दोस्तों अच्छे से फिर से फ्लावरिंग होने लगी है। अब देखते हैं इसमें कब लौकी बनती है, मुझे तो इंतज़ार है। और ये देखिए कितना घना हो गया, दोस्तों दो दिन बारिश हुई है और ये प्लांट देखिए कितना घना हो गया है। तो बारिश भी प्लांट के लिए अच्छी होती है दोस्तों। अगर आपके कुछ प्लांट्स हैं जिनको ह्यूमिडिटी पसंद होती है तो उन्हें आप बारिश में रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, या फिर किसी भी टब या बाल्टी में भर लीजिए और उसे प्लांट्स को दे सकते हैं, तो भी वो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।